हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से अर्थ टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले मनापुरम फाइनेंस लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2 रुपए की तेजी देखने को मिल रही है और ये स्टॉक करंट लेवल पर 210 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में नीचे में अब एक सपोर्ट लेवल बन चुका है 200 रुपीज पर, क्योंकि इस पॉइंट पर स्टॉक ने रिटेस्ट किया है और यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक में एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आ जाएगा। ऊपर में स्टॉक ने एक डबल टॉप बनाएगा 214 रुपीज का। इस पॉइंट पर देखिए जो रेड कलर की ओरिजेंटल लाइन देख रहे हैं, ये स्टॉक में एक रुकावट रेंज का काम कर रही है। जब तक स्टॉक इस प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग नहीं बना लेता, जब तक स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आएगा और स्टॉक एक रेंज बोन में ही ट्रेड करेगा। अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 200 रुपीज का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रख के ऊपर के टारगेट 225 रुपीज और सेकेंड टारगेट 235 रुपीज, ये तो बड़े टारगेट के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ा दबाव जब भी देखने को मिलेगा जब स्टॉक नीचे में 200 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है, क्योंकि 200 रुपीज पर स्टॉक में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर यहां से स्टॉक नीचे गिरता है तो ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक दबाव आता हुआ नजर आ सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।